वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू मेक चिकन मसाला विद अ न्यू ट्विस्ट। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है चिकन, ये तकरीबन हाफ के जी के आसपास चिकन मैंने यहाँ पर लिया है। नॉर्मल चिकन है, बोन्स वाला भी है और बोनलेस भी इसमें मैंने लिया है चिकन, और अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 से 5 प्याज काट लिए हैं, हरा धनिया, 1 लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 टमाटर। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, नींबू, नारियल, 1 टीस्पून हल्दी और कुछ पत्ते तेज़पत्ता के। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ बारीक प्याज काट ली है, 1 प्याज मैंने यहाँ पर बारीक काटी है। अब हम इसको मिक्सर में ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो प्याज हमने मोटी मोटी प्याज जो काटी थी वो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद लहसुन और अदरक, इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, इस तरह से पेस्ट बना लेंगे इसका। इसके बाद जो चिकन हमारा है उसमें हम नींबू निचोड़कर नींबू लगाएंगे चिकन पर, तकरीबन आधा नींबू मैंने यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये नींबू हमने लगा लिया है। अब जो पेस्ट हमने बनाया था अदरक लहसुन और प्याज का, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छे से सारे चिकन पे आप इसको लगाएं। इसके बाद इसमें नमक ऐड किया है मैंने, गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, अब हम अच्छे से पूरे चिकन पे सारे मसाले लगाएंगे, सभी चिकन पे मसाला लगना चाहिए, आप हाथ से भी लगा सकते हैं इसको, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ स्पून का यूज़ किया है मैंने। सारे चिकन को अच्छे से मसाला लगाएं, इसको हम कुछ देर मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, तकरीबन आधा से 1 घंटा आप मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं, फ्रिज में आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सारे चिकन पे अच्छे से मसाला लगाएं, अब इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। अब एक कुकर में मैंने तेल ले लिया है और जो बारीक प्याज हमने काटी थी वो मैं इसमें ब्राउन करूंगी। 1 प्याज मैंने यहाँ पर ली है जो मैंने बारीक काटी थी, इसको हम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चलाते रहें ताकि प्याज जले ना और सारी प्याज एक ही जैसी ब्राउन हो। अब एक मिक्सर में मैं ये जो प्याज मैंने डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई करी है, मैं मिक्सर में इसको ऐड करूँगी। नारियल जो मैंने काट लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में, 1 टमाटर ये भी कट कर लिया था मैंने, हरी मिर्च, हरा धनिया, और यहाँ पर मैंने इसको दही के साथ पीस लिया है। दही के साथ हम इसको पीसेंगे। ये देखिए पेस्ट कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ।
जो नया ट्विस्ट हमारा आएगा वो इसी मसाले के साथ आएगा। अब उसी तेल में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करी थी उसमें मैं ऐड करूंगी तेज़पत्ता और ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। देखिए दोनों चीज़ों को हम थोड़ा चलाते हुए ब्राउन होने तक ज़ीरा को हम फ्राई कर लेंगे। चलाते रहें इसको। जब ये ज़ीरा ब्राउन हो जाए आपका, तो जो मैरिनेट करने के लिए हमने चिकन रखा था अब वो हम इसमें ऐड करेंगे। सारा चिकन अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्लेम अब अभी आप कम ही रखिएगा, कम ही फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे इसको। जब तक के तेल अलग ना हो जाए मसाले से तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए अब तेल छूटने लगा है मसाले से। इसको चलाते रहेंगे। फ्लेम हमें लो ही रखनी है, उसी पे ही आपका चिकन अच्छे तरह से भुनेगा। अब हम इसको एक विसल देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। अब देखते हैं हमारा चिकन, ये देखिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ऑयल मसाला छोड़ चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ये देखिए अब हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये डिश अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।